अनिला जी। अनिला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हाल आप? जी बहुत शुक्रिया, फरमाइए क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मेजर साहब को मैं बोलूंगी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सारी स्टोरीज बताई है और हम लोगों को पता चल रहा है, आगे से हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि हमारी कंट्री के लिए ये लोग क्या कुछ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब ये देख रही थी तो मैं देख के रो पड़ी हूँ। मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी कि मम्मा को क्या हुआ, क्यों रो रही हूँ? मैं उसको बता रही हूँ कि बेटा इस तरह से ये आर्मी इस तरह से हमारी कंट्री के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे पहले मेरे कुछ भाइयों ने कॉल्स वगैरह किए हैं, मैं सुन रही हूँ कि सबके बाद कि बड़ी शेमफुल थिंग ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस जिनको ये सारा कुछ अपनी कंट्री के लिए करने का मौका मिलता है वो कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, और जो कर रही है उनको। सलाम जनाब जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जनाब फाज हुसैन साहब, पहले तो मैं आपके साथ बैठे हुए नवीद साहब, मेजर साहब, मैं उनकी अजबत को सलाम करता हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे ही कोतद्दू तहसील में हमारी एक गांव है, वहां के जकाउल मेजर साहब जो लाखों मन बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, खुदा ताला उनको और उनके साथियों को बाखरियत जिंदा सलामत निकाले। आमीन। पूरा शहर कोतद्दू तहसील जिला मुजफ्फरगढ़ वो अपने घरों में रो रहे हैं, हम अपने घरों में रो रहे हैं। इसलिए कि एक जवान मेजर और जवान जो सिपाही है हमारे, जो हमारी खातर, जो हम आज नींद आराम से सो रहे हैं, लेकिन वो लाखों मन बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं, हम उनकी माओं को सलाम करते हैं, हम उनकी बहनों को सलाम करते हैं, हम पाकिस्तान की तमाम जितनी भी है आवाम खुदा के लिए हम उनके लिए दुआ दुआ